नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेनिंग ट्यूब में। दोस्तों मेरा नाम है विश्वा और आज दोस्तों मैं आप लोगों को एक टिप्स बताऊंगा या फिर विंडोज इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको नया लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बारे में हम आपको टिप्स देंगे या फिर आपको बताएंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बताएंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये जो लैपटॉप है ये i3 7th जनरेशन का 4GB इसका रैम है और 1TB का हार्ड डिस्क है। तो हमारे पास जो कि पेन ड्राइव आप साइड में देख सकते हैं, उस पेन ड्राइव में हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसको हम लोग USB के थ्रू हम लोग बूट करके, जो कि पेन ड्राइव है हमारा, ये बूटेबल पेन ड्राइव है, बूटेबल USB डिवाइस है और उसके थ्रू हम लोग अभी विंडोज को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों अभी शुरू करेंगे और पहले हम लोग जो कि जो पावर बटन है उसको प्रेस करेंगे और पावर बटन देख सकते हैं आप ऊपर में है और जब पावर बटन ऑन करते हैं तो आपको दोस्तों पहले अगर आपका बूट मेनू में अगर USB डिवाइसेस एनेबल नहीं है तो पहले आप एनेबल कर लें। अगर एनेबल है तो ऑटोमेटिकली, अगर आपका बूटेबल पेन ड्राइव है तो ऑटोमेटिकली वो बूट ले लेगा। और आपको दोस्तों बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए भी अगर टाइम मिलता है तो आपको वीडियोस बना के दिखाऊंगा कैसे जो पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। अभी देखिए दोस्तों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है और इसका सबसे पहला स्टेप है दोस्तों। इस स्टेप में आपको आपको मांगेगा, आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे लैंग्वेज टू इंस्टॉल, आपको लैंग्वेज पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा लैंग्वेज में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। उसके बाद जो टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट और नेक्स्ट आता है आपको जो कि कीबोर्ड एंड इनपुट फॉर्मेट दोस्तों। तो आप कोई भी आप अपना जो कि लैंग्वेज या फिर टाइम जोन ऐसे आपके हिसाब से सिलेक्ट करें और उसको नेक्स्ट प्रेस करें। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो दोस्तों टाइम जोन प्लस जो कि इंडिया का टाइम जोन है, कोलकाता चेन्नई दिल्ली वाला, उसको सिलेक्ट करें और लैंग्वेज आप यूनाइटेड स्टेट्स इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स आप सिलेक्ट करें। तो ये हो गया हमारा चूंकि फर्स्ट सेटअप और हम लोग अभी नेक्स्ट प्रेस करेंगे जो कि बटन नेक्स्ट। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आया हमें विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए, अभी ऑप्शन मांग रहा है इंस्टॉल, तो हम लोग क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ बटन पे। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है दोस्तों, ये UI उसका इतना अच्छा, पहले अगर आप DOS ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते थे तो इतना मुसीबत आपको कमांड प्रॉम्प्ट में सारे इंस्टॉल करना पड़ता था, अभी सिंप्लीफाइड यूजर इंटरफेस की वजह से दोस्तों विंडोज इंस्टॉलेशन आसानी हो गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में अभी देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की का एंटर करने के लिए मांग रहा है, अभी आपके पास कोई प्रोडक्ट की नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, स्टेप को स्किप कर दीजिए और बाद में आप प्रोडक्ट की एंटर भी कर सकते हैं। हम लोग अभी स्किप कर दिए। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे मांग रहा है आपको विंडोज 10 प्रो या विंडोज, हमारे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विंडोज 10 का है। अभी हम लोग जो भी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम लोग प्रो सिलेक्ट करना चाहते तो प्रो सिलेक्ट करके हम लोग नेक्स्ट बटन पे प्रेस करेंगे। अभी उसके बाद आपको जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट आ रहा है, तो बहुत सारे लाइसेंस है आपको एग्री करना पड़ेगा इंस्टॉल करने के लिए, एग्री नहीं करेंगे तो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्ट करके हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कि विंडोज का जो अगर आपको कुछ भी एडवांस अगर इंस्टॉल करना है तो कस्टम में सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली अपग्रेड पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों कस्टम पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे और जो एडवांस ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए अभी पार्टीशन सिलेक्ट करने के लिए मांग रहा है कितना हमारे पास ड्राइव है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1TB का जो डिवाइस है दोस्तों, यहाँ पे 923 कुछ GB का यहाँ पे अनअलोकेटेड स्पेस दिखा रहा है। इसको हम लोग फॉर्मेट करके इसको पार्टीशन करेंगे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कितना ड्राइव बनाएंगे वो देखेंगे दोस्तों। अभी हम लोग सी ड्राइव को 250 जो कि 250 GB एलोकेट करेंगे, 250 GB के लिए 256000 MB होता है दोस्तों, आप जानते हैं 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, तो उस हिसाब से 250 GB के लिए 256000 MB दोस्तों। इसका टू एंश्योर दैट विंडोज फीचर्स आर करेक्टली वर्क करेक्टली, तो यस करेंगे। तो दोस्तों वो जो प्रोसेस है ये मेमोरी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन कौन सा पार्टीशन आप करेंगे, जो कि फॉर एग्जांपल ये जो हम लोग लैपटॉप है ये उसमें 1TB का हार्ड डिस्क था और 1TB हार्ड डिस्क में आपको डिफरेंट पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। पहले जो भी एलोकेटेड स्पेसेस होंगे सबको डिलीट करें आप
और जो कि कंप्लीट जो कि 1 TB का जो मेमोरी दिया होगा उसको आप डिफरेंट डिफरेंट प्राइमरी पार्टीशंस में सेट करें। फॉर एग्जांपल हम लोग 300 GB का एक पार्टीशन बनाएं और एक हम लोग दूसरा 300 GB का एक और पार्टीशन बनाएं और जो बाकी जो बच गया उसके लिए एक और हम लोग पार्टीशन जो कि नीचे देख सकते हैं पार्टीशन 4, 5 और 6 हम लोग क्रिएट किए हैं। ठीक है, ये 4, 5 और 6 दोस्तों, तो 307, 311 और 311 टोटल मिला के आपको 900 जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ जीबी था उतना हम लोग यूटिलाइज कर दिए हैं। तो दोस्तों अभी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा पार्टीशन में आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। तो आपको पार्टीशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे आप देख सकते हैं अभी पार्टीशन 4 हमारा सिलेक्टेड है, उस पार्टीशन 4 में हम लोग अभी नेक्स्ट बटन पर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है वेयर डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल विंडोज, तो हमें पार्टीशन 4 में इंस्टॉल करना है, तो पार्टीशन 4 सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों जो पार्टीशन 4 होगा वो हमारा सी ड्राइव बन जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में आ रहा है, अभी हम दिखा रहा है कि कॉपिंग विंडोज फाइल, देन गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, देन इंस्टॉलिंग फीचर्स, देन आपको मिल रहा है यहाँ पे इंस्टॉलिंग अपडेट्स, फिनिशिंग ऑफ। तो ये सारे ऑप्शंस रहेंगे, पहले कॉपी हो जाएगा विंडोज फाइल हमारा जो पेन ड्राइव से आपका जो हार्ड डिस्क में कॉपी हो जाएगा सी ड्राइव में, इसके बाद गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है, फाइल को रेडी कर रहा है, उसके बाद फीचर्स वगैरह इंस्टॉल होगा जो भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर रहते हैं, और आपको अपडेट्स भी कुछ अगर है तो इंस्टॉल कर लेगा, और लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस दोस्तों। तो अभी इसको वेट करना पड़ेगा आपको कंप्लीटली ये जो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने तक। दोस्तों वो चार ऑप्शंस खत्म होने के बाद जो कि फिर से कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा और ये स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलेगा, एचपी का जो मेन लोगो और विंडोज का गेटिंग रेडी का जो ऑप्शन, और अभी देखेंगे इसके बाद और क्या क्या इंस्टॉलेशन का स्टेप्स हैं। दोस्तों जब कॉपी होना खत्म हो जाएगा जो कि आपको जो आपका जो हार्ड डिस्क में पेन ड्राइव का फाइल, आप पेन ड्राइव को रिमूव कर सकते हैं सेफली और पेन ड्राइव का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी इंस्टॉलेशन और भी नेक्स्ट प्रोसेस वगैरह सब सबको ही अपना लैपटॉप का हार्ड डिस्क में जो कॉपी हुआ फाइल से शुरू हो जाएगा, और देखेंगे आगे क्या क्या प्रोसेसेस हैं। दोस्तों अभी एक और बार कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है और फिर से हम एचपी का लोगो देख पा रहे हैं, अभी विंडोज का लॉगिन शुरू हो गया। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रोडक्ट की एंटर करने के लिए मांग रहा है, अगर आपके पास प्रोडक्ट की ओरिजिनल है तो आप एंटर करें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं दोस्तों उस स्टेप को, हम लोग अभी स्किप करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा गेट गोइंग फर्स्ट, अभी उसको हमें जो कि ऑप्शन हमें दिखा रहा है यहाँ पे सिलेक्ट करें। दोस्तों अभी ऑप्शन आ रहा है कि क्रिएट एन अकाउंट फॉर पीसी, अगर आप यूज करना चाहते हैं एज ए पर्सनल कंप्यूटर तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा डिटेल्स, हु इज गोइंग टू यूज दिस पीसी आपका नाम देना पड़ेगा, मेक इट सिक्योर आपको पासवर्ड को सेट करना पड़ेगा, और पासवर्ड दोस्तों मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो उस स्टेप को, और उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद जस्ट ए मोमेंट, इसके बाद थोड़ा टाइम के बाद एक और कुछ ऑप्शंस मांगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसका शुरू हो गया है, वी आर सेटिंग थिंग्स अप फॉर यू, ये सारे स्क्रीन्स विंडोज 10 का स्पेसिफिक है, विंडोज 7 में डिफरेंट काइंड ऑफ, दोस्तों नॉर्मली सेटिंग सबका सेम होता है लेकिन जो कि यूजर इंटरफेस डिफरेंट डिफरेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, 7 का भी इंस्टॉलेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 8 का भी सिमिलर है, ये 10 विंडोज 10 हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, और ये सारे स्क्रीन्स आप जो सामने में देख पा रहे हैं ये सब ऑटोमेटिकली सब सेटअप कर लेगा, आपका डेस्कटॉप, आपका ऐप्स वगैरह, आपका कंट्रोल पैनल, सब कुछ जितना भी बाई डिफॉल्ट ऐप्स इंस्टॉल होगा वो सब सेट कर लेगा और आपको डेस्कटॉप आपके सामने में लेके आएगा वो। दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग अभी डेस्कटॉप स्क्रीन में हैं और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कंप्लीट डेस्कटॉप आपके सामने में। दोस्तों ये आप देख सकते हैं विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर में लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है,
इसका कितना सारा बाय डिफॉल्ट जो कि एप्स वगैरह वो इंस्टॉल हुआ है, और पीसी का डिटेल है आप कंट्रोल पैनल में देख सकते हैं, और जो कंप्यूटर का डिटेल वो माई कंप्यूटर सेक्शन में भी दिखेगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ड्राइव यहाँ पे दिखा रहा है, और आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे माई कंप्यूटर का तो आपको कंप्यूटर का टोटल डिटेल यहाँ पे पता चलेगा। 4GB का जो हमारा रैम है, 64-bit का हम आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं i3 7th जनरेशन का प्रोसेसर दिया हुआ है, 2.3 GHz का प्रोसेसर है, और इंटेल कोर, ये सारे डिटेल आपके पास है प्रोडक्ट की। अभी बाय डिफॉल्ट कुछ लिया है हम लोग, अभी सेट करना है दोस्तों उसको। और ये है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुका है। दोस्तों ये सारे स्टेप्स हमने बताए आपको कैसे विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो और आप सीख गए होंगे कैसे इंस्टॉल करना है। बहुत ही आसान स्टेप्स है। आपका खुद का लैपटॉप अगर डॉस है तो डॉस खरीदें, पैसा का बचत करें, और आपका अगर आपका ISO फाइल है विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको यूज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है प्रोडक्ट की, आप विंडोज 10 आप माइक्रोसॉफ्ट से खरीदें और आप खुद इंस्टॉल करें दोस्तों, एक्स्ट्रा पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट की भी आप परचेज कर सकते हैं, और आप हर साल इसका नया नया वर्जन भी आप अपग्रेड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें दोस्तों कुछ भी डाउट्स है, और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए ताकि आप हमारे चैनल में नया नया टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेंडिंग वीडियोस हर दिन देख सकें। दोस्तों थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।